तारो जी नमस्ते, मेरा नाम है अथर्व। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज संडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 10-11 अराउंड। मामा जी का भी फ़ोन आ गया था 9 बजे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज का क्या प्लान है। मैंने कि कुछ खास नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि शिवपुर के पास कोई जगह है तुम्हें पता है कोई? उन्होंने जगह का नाम बताया। मैंने कि नहीं पता। तो उन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं। तो वो आ रहे हैं, उन्हें 1 घंटा लगेगा आने में। वो और उनके फ्रेंड आ रहे हैं होशंगाबाद से, और मेरा यहाँ से, मैं और मेरा एक फ्रेंड चलेंगे। मतलब ऐसे 4 लोग जाएंगे हम कार में, और शिवपुर के पास कोई जगह है तो वो अपन आज डिस्कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में नहीं बता दिया था कि हम कहीं जाने वाले हैं संडे को, तो हाँ ये वही जगह, और मैं ही भूल गया उस जगह का नाम। तो वापस फोन आएगा या तो मैं ब्लॉग के बीच में बता दूंगा, ठीक है? अभी यश भाई तुम देखोगे यहाँ पे कुछ आए हैं सस्ते लोग, सस्ते मॉडल DSLR लेके एंटर हो चुके हैं। तो अभी एक अपन रवाना हो जाते हैं। अच्छा, अभी पानी वानी भी सही गिर रहा है, बारिश वारिश भी सही हो रही है, जो भी है। यश भाई अपने साथ घाट, हाँ बिल्कुल, किले वाली फीलिंग आ रही है इसको हमें तो। फिर यहाँ से क्या 1-2 किलोमीटर और है क्या? शिवपुर गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है भिलाड़िया घाट पहुँचने के लिए। शिवपुर भी बड़ा गांव है, सिवनी मालवा तहसील का। एक तो आज मामा जी है ना, पता नहीं क्या क्या पता आज कुछ एनर्जी वाला फूड खा क्या है, गाड़ी बड़ी तेज चला रहे हैं मामा जी। तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो करते करते आप एनर्जेटिक रहते हो? मामा जी बोलते हैं अभी कि बड़ा खूबसूरत सा फील हो रहा है यहाँ के, खूबसूरत सा लग रहा है। मैंने बोला नहीं, यहाँ गीला गीला लग रहा है। ओके, घाट अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पे एक मंदिर भी, कौन सा मामा जी मंदिर था? राम जानकी ना? राम जानकी मंदिर है। अच्छा, The right brain drives me insane. तिवारी जी बैठे हुए हैं किसी की याद में। किसे याद कर रहे हो भैया? एक तो जो निकलते नहीं है घर से, घर में रहते हैं। मम्मी को याद कर रहे। अरे यार मम्मी क्या आ रही है। मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेठानी घाट जैसी फीलिंग आ रही है, और अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। हमें लग रहा था कि शायद पानी गिर आएगा तो हम गीले हो जाएंगे, और गीले हो जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। पहले से थोड़ी थोड़ी है सर्दी खांसी में, भी आराम है। इंदौर जाने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अमावस्या पे यहाँ पे मेला वेला भी लगता है। यहाँ पे यश ने बताया था, अभी वो पीछे खड़ा हुआ है कहीं। तो ये अपना पूरा घाट हो गया। अच्छा, मैंने आपको भी अभी वहाँ से दिखाया था। तो यहाँ हमें पंडित जी मिले। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जो शिव मंदिर है ये वाला, तो यहाँ पे जो पिछली बार बाढ़ आई थी, बाढ़ कब आई थी पंडित जी? मतलब 2020 में। अच्छा, पिछले साल की बता रहे थे। अच्छा, तो पंडित जी ने वही बताया कि 2020 में यहाँ पे जो शिव भगवान है, ठीक है, वो यहाँ तक आ गई थी बाढ़। मतलब यहाँ तक जो नर्मदा जी का पास स्नान करा के नर्मदा जी गई है। हाँ, शिव भगवान को स्नान करा के नर्मदा जी वापस गई है। बहुत खूबसूरत घाट है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है। लेकिन आप 400-500 साल पहले के मंदिर बताए। लेकिन आपके लिए तो यहाँ लिखा हुआ है श्री राम मंदिर भिलाड़िया। तो ये वो भिलाड़िया नहीं है जो मेरे को गांव जाते समय पड़ता है रेड़ा मकड़ाई वाला, ये शिवपुर वाला भिलाड़िया है। और बहुत ही अच्छा घाट है जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। दैट इज ऑल अबाउट टुडे गाइस। इस सबके साथ ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे नेवावर में एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनने आ रहा है, एशिया का बिगेस्ट जैन मंदिर, जिसकी कीमत 80,000 करोड़ रुपये आनी है, ठीक है। और मैं उसको घूम के आ चुका हूँ। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 24 सालों से काम चल रहा है, और अभी भी कुछ आगे काम चलता रहेगा कुछ सालों में। लेकिन पूरी जानकारी अपन इस ब्लॉग में नहीं दे रहे हैं। मैंने ऊपर ऊपर का बता दिया कि भाई ये नेक्स्ट ब्लॉग है, तो फटाफट बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक वो वीडियो पहुंचे। और ऑसम ऑसम ब्लॉग आने वाले हैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, लाइक कर देना जाते हैं।